हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन सिक्योरिटी में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जो लेडीज गार्ड के किस तरह से ज्वाइनिंग होते हैं और उसका क्या प्रोसेस है, उसका सैलरी क्या है, टाइमिंग क्या है, ड्यूटी टाइमिंग क्या है, प्रोसेस में कितना मतलब टाइम वक्त लगते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज आए हैं एक मैडम है जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, उससे हम जानेंगे जो किस तरह से इसका प्रक्रिया होता है ज्वाइनिंग का। जो हमारे दोस्तों सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बात करते हैं। जी मैडम जी, अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, नाम क्या है? सर मैं यूपी से हूँ, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सलीमपुर में पड़ता है जी। और मैं 2019 में ज्वाइनिंग की थी और उस टाइम मेरा 2500 रुपया लगा था जी, प्लस आधार कार्ड लगा था, पैन कार्ड जी, हाई स्कूल का मार्कशीट लगा था। अच्छा, और बस सर यही पुलिस भर के कैसे? पुलिस भर के से लगा था, बस यही लगा था सर। अच्छा, तो अभी के टाइम में क्या क्या सब लगते हैं? अभी सर 6900 रुपया लगता है। अच्छा, 69। और उसके बाद? उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड। अच्छा, और हाई स्कूल का मार्कशीट, पुलिस। अच्छा, कितना दिन में वो ज्वाइनिंग हो जाएगा? अगर कोई लेडीज गार्ड आए ज्वाइनिंग होने के लिए तो कितना दिन में ज्वाइनिंग प्रक्रिया खत्म हो जाता है और ज्वाइनिंग हो जाता है? और सर 2 से 3 दिन में हो जाता है, 2 से 3 दिन में। अच्छा, 2 से 3 दिन में हो जाता है। अभी बताइए, आप 3 साल पहले जो ज्वाइनिंग किए थे उस टाइम क्या सैलरी दे रहे थे SIS, और अभी क्या दे रहे हैं आपको? सर उस टाइम 14,000 था, अभी 14,500 पे 8 घंटे की मुझे मिलती है। अच्छा, उस टाइम में कितने घंटे की ड्यूटी था? सर 8 घंटे की ड्यूटी थी। अच्छा, 8 घंटे का ड्यूटी था। हाँ, अभी भी 8 घंटे का और 14,500, मात्र 500 रुपये भरा है। हाँ जी सर। ओके, तो अभी एक बात बताए, अगर नया ज्वाइनिंग होना चाहे वो लेडीज गार्ड तो उसका क्या सैलरी रहेगा 8 घंटे का और 12 घंटे का? अभी जो लेडीज गार्ड भर्ती होती है उनका भी इतना ही सैलरी मिलेगा सर। अच्छा, 8 घंटे का और 12 घंटे का? 18 1.5 जैसा लेकर 19 1.5। अच्छा, मतलब जो 12 घंटा ड्यूटी करना चाहे। हाँ जी सर। अच्छा, तो इसमें जो है अभी आपका ड्यूटी जो कर रही है यहाँ पे, तो क्या सब करना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, बहुत ज्यादा है, कम से कम क्या करना, ड्यूटी क्या है सर? हाँ, जैसी ड्यूटी होती है वैसे करनी पड़ती है। यहाँ पे होती है की लोगों की एंट्री करना होता है, रिसेप्शन की ड्यूटी जो होती है। ओके, और इन आउट टाइम डालना होता है, विजिटर की एंट्री करना होता है। अच्छा, कितने रजिस्टर आप मेंटेन करती है, मतलब कि कई ठो रजिस्टर में आपको लिखना पड़ता है और एंट्री करती है? रजिस्टर तो सर 5-6 है। अच्छा, तो कौन कौन से रजिस्टर है, थोड़ा नाम बता दीजिए। और रजिस्टर है सर, विस्टर रजिस्टर है। अच्छा, और सिक्योरिटी वाला रजिस्टर है सर। ओके, और स्टाफ मोमेंट रजिस्टर हो गया। अच्छा, स्टाफ कुरियर वाला हो गया, इन आउट वाला सर। ओके, और मटेरियल में भी कौन कौन से मटेरियल वाले हैं? मटेरियल वाले में मटेरियल इनवार्ड है। ओके, और नॉन रिटर्नेबल है। अच्छा, नॉन रिटर्नेबल है रजिस्टर। अच्छा, हाँ जी सर। तो ये सब आप जो है मतलब एंट्री करते हैं, अभी आपको यहाँ ड्यूटी करने में कोई प्रॉब्लम परेशानी भी होते हैं रूम से आने में? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको जो 14,500 रुपए मिलते हैं तो उसमें PF काट के PF अलग से मिलते हैं? सर सब कुछ काट के मिलता है। अच्छा, तो इसका मतलब PF आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, PF एक्स्ट्रा मिलते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अभी जो अगर कोई लेडीज गार्ड अगर ज्वाइनिंग होना चाहे तो उसे आप क्या मतलब सजेशन दे सकती हो, जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लेडीज समझते नहीं सिक्योरिटी गार्ड में क्या ड्यूटी करेंगे? नहीं सर, होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। अच्छा, होना चाहिए। तो अभी आपको मतलब ठीक ठाक चल रहा है? जब सर ठीक ठाक चल रहा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। यही हमारे कुछ व्यूवर्स जो है कमेंट किए थे जो लेडीज गार्ड का कैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में हमें बताइए। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप सब देखें, मैडम अपना नाम क्या बताएं? अंजू पांडे। जैसे कि अंजू पांडे ने मतलब मैडम ने बताया जो किस तरह से ज्वाइनिंग होते हैं, और आप भी अगर कोई अगर आपके पास लेडीज है, कोई अगर मतलब ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो बनारस जाइए, डॉक्यूमेंट जो बताए वो लेकर के जाइए और प्लस फीस लेकर के जाइए, आपको ज्वाइनिंग हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे लेडीज गार्ड का वैकेंसी आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।